दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के बारे में जानने के लिए क्लिक किया है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट से रिलेटेड पूरा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे इसको आप बंद कर सकते हो, कैसे स्टॉप कर सकते हो, और साथ ही में अगर आप स्टॉप करते हो अपने मोबाइल में बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को, बैकग्राउंड रनिंग ऐप को, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से वॉच कर लेते हो, देख लेते हो, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इससे रिलेटेड, आपको पूरा का पूरा डिटेल इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे भी आपको इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बैकग्राउंड रनिंग ऐप के बारे में, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, अपने मोबाइल में लोग बैकग्राउंड रनिंग ऐप को इसलिए स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं, ताकि उसके फ़ोन में जो है बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन ना हो, इसके कारण उसका मोबाइल हैंग ना हो, उसके फ़ोन में जो भी डाटा रहता है वो भी खर्च ना हो फालतू में। तो इसलिए लोग इसको जो है बैकग्राउंड रनिंग ऐप को स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वहाँ पर पूरा का पूरा बैकग्राउंड रनिंग ऐप को बंद कर देते हो तो आप जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे आप होम पे आओगे तो वहाँ से वो रिसेंट में से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते रहते हो किसी इंटरनेट के माध्यम से या तो किसी भी एप्लीकेशन में, और होम पे आओगे तो फिर से आपको वहां से शुरू से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन जो रहता है वो बंद हो जाता है, हट जाता है। तो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दिया, लेकिन आपको कैसे इसको करना है अपने मोबाइल में ये भी आपको जरूर से सीख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ को यूज करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन बताने वाला हूँ। सबसे पहला कि आप पार्टिकुलर एक एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी एप्लीकेशन के साथ आप कर सकते हो। और एक ऐसा भी सेटिंग्स बताऊंगा जहां से आप सारे के सारे एप्लीकेशन को वहां पे बंद कर सकते हो, जैसे आप वहां से बैक आओगे तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों सेटिंग्स बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन को बंद कर सकते हो अपने हिसाब से। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में आपको ऐप्स वाले सेक्शन पर चले जाना है, जहाँ पर आपको सारा का सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा आपके फ़ोन में जो जो इंस्टॉल्ड होगा। ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में वहाँ पर आपको एक मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहां पे मान के चलिए कि मुझे फेसबुक को यहां पे स्टॉप करना है, बैकग्राउंड पे उसको रन नहीं करना है, तो मैं फेसबुक को यहां पे सर्च कर लूंगा। फेसबुक को सर्च करने के बाद में मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहां पे बैटरी सेवर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें मुझे क्लिक करना है। आपको भी क्लिक करना है, और उसके बाद वहां पे देखोगे तो रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे वहां पे आप क्लिक कर दोगे तो यहां से आपका जो है बैटरी भी बचेगा, आपका बैटरी भी ज्यादा ड्रेन नहीं होगा, और साफ साफ वहां पे लिखा होता है कि आप जैसे ही बाहर आओगे तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप पार्टिकुलर यहां पे जो जो एप्लीकेशन को आप बंद करना चाहते हो ऐसे ही सिंपली सर्च कर लो उस एप्लीकेशन को, और वहां पे जाकर के आप बंद कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो हो गया पार्टिकुलर, आप एक एप्लीकेशन या तो दो, तीन, चार, जितने आपके मन में है उतने एप्लीकेशन साथ में आप कर सकते हो। लेकिन आपको अब एक ऐसा भी सेटिंग्स में बता देता हूं जहां पे आपको कोई भी एप्लीकेशन को वहां पे सिलेक्ट नहीं करना है, बस आपको एक ऑप्शन ऑन कर देना है, बस आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा बैकग्राउंड में वो स्टॉप हो जाएगा, रनिंग नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर यहाँ पे आपको अबाउट फोन पे जाना है, और वहाँ पे आपको एक जो है डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए एक बटन मिल जाता है। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे MIUI वर्जन का ऑप्शन है, उसमें मैं 6 से 7 बार एक साथ क्लिक करूँगा तो ये जो है मोबाइल में आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करके दे देगा। उसके बाद आपको बैक आना है, फिर आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स में जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको एक डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद में आपको पूरा का पूरा नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के नाम से, उस पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो स्टैंडर्ड लिमिट पे होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट पर जब तक रहेगा तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप जो एप्लीकेशन वहाँ पे जो है ओपन करोगे वो ओपन ही रहेगा, आपके बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा। लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी मिलेगा कि नो बैकग्राउंड प्रोसेस, उस पर अगर आप क्लिक कर देते हो तो जो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वो ओपन नहीं रहेगा, जब तक आप वहाँ पे यूज करोगे तो वो ओपन रहेगा, लेकिन आप जैसे ही होम पे आओगे, बैक आओगे तो वो हट जाएगा रिसेंट से, फिर से आपको उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड पे रनिंग ना करे तो आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे कर सकते हो, और वहाँ पे एक ऊपर में आपको एक ऑप्शन ऑन मिलेगा बैक आओगे तो डोंट कीप एक्टिविटी, उसको भी ऑन कर सकते हो, इससे भी आपको कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं चलने देगा, ये जो ऑप्शन है उसको पूरा का पूरा बंद कर देगा। तो दोस्तों, बस ऐसे ही लोग जो है अपने मोबाइल में बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को लगा करके एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और आप इस चैनल से जुड़ जाओगे तो मैं आपको भी कुछ आगे हेल्प कर पाऊंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।